हेलो जी, कैसे हैं आप सब? राम राम जी। आज बनाते हैं हम गोभी और आलू की टिक्की, जो कि नहीं, जिस बच्चे को पसंद नहीं होते ना, तो वो भी खा लेता है आलू की, इस गोभी की टिक्की और आलू की टिक्की, और बना के दिखाते हैं। ये देखो जी, मैंने ले ली है ये थोड़ी सी हरी मिर्च, चार हरी मिर्च है, ज्यादा तीखी भी नहीं। और अगर आप तीखी बनाना चाहते हो तो आप तीखी बना सकते हो डाल के, ज्यादा सी मिर्च। और ये लिए मैंने दो अदरक के टुकड़े, और ये है 5-6 कली लहसुन की पतली पतली सी, और ये है गोभी का फूल, और ये रहे सारे आलू। और अब मैं लेती हूँ पीस, ये मेरे उबले हुए आलू है, और मैंने मिक्सी में डाल के ना मैं पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मुझे कैसे मिलाने हैं। मैंने मिक्सी में पीस ली है सारी गोभी, इसमें हरी मिर्च और जी लहसुन अदरक, ये तो मैंने पीस ली। अब ये मैंने लिया है बेसन, बेसन में थोड़ी सी मिला लेती हूँ मैदा, क्योंकि मैदा, और इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने इसमें और कुछ डाला है। और अगर आप इसे वैसे बनाना चाहते हो कि जैसे कि आपने आलू के पराठे बनाए हैं, और आलू के पराठे बनाते तो फिर आपके बस जाते हैं आलू, जो पराठे बनाते समय आपके आलू बच जाते हैं, तो आप उन आलुओं को थोड़ी गोभी पीस के और उसमें हरी मिर्च, सारी चीज़ मिक्स तो आपकी पहले ही हो रही है आलू में, और उसमें थोड़ी सी और हरी मिर्च वगैरह डाल के और बना इसमें गोभी में पीस सकते हैं, और अच्छी उसमें भी ज़्यादा अच्छी बन के आएंगी ये चीज़ आपकी पकौड़ी गोभी की। ये मैंने मिला, और बना मिलाने के बाद में इधर मैंने अपना बेसन भी तैयार कर लिया इस तरह से, और इधर मैंने अपनी गैस भी रख दी तेल गर्म होने के लिए। और अब मैंने कुछ तो मैंने बना लिए, और कुछ इतना भी और थोड़ा गर्म होता है तेल, इतने और थोड़ी थोड़ी सी बना लेती हूँ फटाफट फटाफट, मैं इनको उतार लेती हूँ। चटनी तैयार है हरी और रेड वाली भी, तो मैं बस अभी बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी, अब मैंने बना बना के रखी थी जो पहले, और मैं इन्हें इसमें डाल लेती हूँ। दो तीन तो मैंने पहले ही डाल दिया, और वही दो ये डाल दी मैंने इसमें। ये देखो जी, मेरी रेड चटनी भी, और ये हरी वाली, और ये देखो मेरी पकौड़ी। ये देखो मैंने दोबारा से मैंने उतार लिया, ये भी इतनी सारी पहले बना ली, और दोबारा से मैं फिर भी से ये निकाल रही हूँ। आइए, प्लेट तैयार है, जिसे खाना है फटाफट कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट जरूर से जरूर, ज्यादा करके बताना कि कैसी लगी।